रविंद्र डॉक्टर 365 के, ये जो आज कितने सालों से अपना स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज 37 साल से रोटरी में हूँ, बट मैंने आज तक सुना नहीं है कि एक आदमी, इट इज ए वन मैन इंस्टीट्यूट, कि सबके स्वास्थ्य के लिए कुछ करता रहे। ये जिस तरीके का काम कर रहा है बहुत बहुत सराहनीय है। मुझे भी उसके साथ जुड़ने का लास्ट 8 साल से अपना मौका मिला है, पर मैं देख रहा हूँ एवरी ईयर, अभी पिछले साल से कैसे दूसरा कैंप उससे भी बड़ा सक्सेसफुल जावे, उसके लिए प्रयत्न करते रहे। उसमें धीरज कुमार जी जैसे महान एक्टर डायरेक्टर और अपना प्रोड्यूसर जुड़े। इस साल हमारा सौभाग्य है कि गणेश आचार्य जी, उनका फाउंडेशन भी इसके साथ जुड़ा है। तो सच्ची जैसा धीरज कुमार जी ने कहा कि इस टाइप का 5 times मोर होना चाहिए, आई एम कॉन्फिडेंट क्या ये 5 times सक्सेसफुल होगा इस टाइप का जो मेडिकल कैंप होगा, फ्री कैंप। रोटरी आज 118 जूनी इंस्टीट्यूट है, आज वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट रोटरी और लायंस है। आज मैं रोटरी का एक पता तो बॉम्बे में खाली 111 क्लब है। आज नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के नाते बहुत ही रोटरी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन जिस तरीके का काम रोटरी कर रहे हैं उसी काम डॉक्टर धर्मेंद्र ने उठाया है स्वास्थ्य का। ने रोटरी को बहुत आनंद होगा कि चलो उनके साथ जुड़ने के लिए। ने मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बॉम्बे की 111 क्लब, सब क्लब को इसमें ज्वाइन करेंगे और इसको जितना सक्सेसफुल होगा उतना सक्सेसफुल होगा और रोटरी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं महेंद्र भाई को भी चाहूंगा कि अभी फिलहाल रोटरी के प्रेसिडेंट होने के नाते 2 शब्द रखें। थैंक यू धर्मेंद्र जी। हेलो, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मंच पर उपस्थित सभी मेहमानगण। और एक्चुअली डॉक्टर धर्मेंद्र जी के साथ मेरा कम्युनिकेशन पिछले 1 साल से हो रहा है तकरीबन। उनके पहले मैं इनके शिविर में हरीश भाई के थ्रू ही यूज्ड टू कंट्रीब्यूट विद द सम कैंप्स एंड स्टॉल्स एंड ऑल दैट, पर जब से उनसे मिला हूँ सबसे पहला उन्होंने अच्छा काम किया कि वो हमारी क्लब के सदस्य बन गए और ही इज ए स्टार मेंबर इन अवर क्लब। ही हैज बीन टेकिंग अप एवरी एस्पेक्ट व्हिच कैन एनहांस द रेपुटेशन एंड द वर्किंग ऑफ आवर क्लब। आते ही उन्होंने हमारे क्लब के द्वारा 2 एम्बुलेंसें जो जू बीच पे खड़ी रहेगी वो प्रोजेक्ट को ओके किया, एंड नाउ दैट इज अंडर प्रोसेस एंड वेरी शॉर्टली इट विल बी इंस्टॉल ऑन द जू बीच वन एट संडे क्लोज एंड वन एट ऑल्सो। सो दैट इज द ग्रेट थिंग यू हैव अंडरटेकन। एंड सेकेंडली आई हैव प्रॉमिस्ड यू एनीथिंग यू टेक अप वी एज ए क्लब, आई एज ए प्रेसिडेंट am always there with you. So whatever you require to be done from the club, it will be done with your signal word. Thank you. मैं बता दूं कि हमारे महेंद्र भाई का कहना यह था कि हम लोगों ने मिलकर के तय किया कि जुहू पर आए दिन एंड वर्सोवा बीच पर आए दिन एक्सीडेंट की घटना सुनने को मिलती रहती है। कुछ बच्चे पानी में बह गए, किसी को जेली फिश ने काट लिया, किसी को ये तमाम तरह के ये, क्योंकि मैं पिछले 20 से 22 सालों से जुहू बीच का वॉकिंग ग्रुप में का एक पार्ट सदस्य रहा हूँ। तो इस तरह की घटनाएं बार बार सुनने के कारण से हम लोगों ने तय किया कि इस साल के अंदर अंदर 2 कार्डियक एम्बुलेंस जो कि हम दोनों ने मिलकर के ये करेंगे एंड डॉक्टर 365 को मैनेज करेंगे, जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसको तुरंत उसको कार्डियक सुविधा देकर के उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जिम्मा लेती है। तो वो एक जुहू बीच के पुलिस स्टेशन के पास एक खड़ी रहेगी और एक वर्सोवा बीच पे जहाँ सुविधा मिलेगा वहाँ उसकी, ताकि दोनों बीच को लोगों में किसी तरह की अगर हादसा छोटी मोटी हो जाती तो उनको सुरक्षित जगह पर कैसे लेके जा सके, ये रोटरी और डॉक्टर 365 मिलकर करने जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे इनिशिएटिव को हमारे 5 जी शेट्टी साहब भी
अपने अपने अंदाज से अग्निश्री साहब अपने अंदाज से कहेंगे एक्शन मोड में यस थैंक यू सर ये बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी और सर धीरज कुमार जी और मेरा भाई गणेश आचार्य जी ये त्रिमूर्ति जैसा ये ऐसा लगता है ये तीनों मूर्ति इसको इतना बड़ा दे के काम करें बिकॉज इतना डिफिकल्ट है बिकॉज मुझे मालूम है मैं कम से कम 11.5 लाख गर्ल चाइल्ड और वुमन को अभी तक इंडिया में ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी भी आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं फॉर सेल्फ डिफेंस सो मेरे को पता है इसका काम का कितना डिफिकल्ट होगा बट उसको कितना आसानी तरीके से आप लोग करते जा रहे हो और मेरा टोटल 23 स्टेट में मेरा चीता जीतकुंडो का फॉर्म है मेरा जितना भी हेल्प हो जितना भी लोगों को इकट्ठा करना हो जस्ट ए फोन कॉल आपका साथ में हमेशा रहूँगा थैंक यू मैं हमारे यंगेस्ट डायरेक्टर अविनाश को मैं चाहूँगा कि दो शब्द रखें और कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे बताएं धन्यवाद धन्यवाद सर और धीरज साहब का और आपका मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ दोनों बातों पर इतना दली है कि बाकी लोगों को कुछ बोलने का मौका मिलता नहीं है और बोलने के लिए अगर चाहेगा भी सोचना पड़ता है बोलूँ क्या मैं और इस बार बहुत खुशी की बात है गणेश जी हमारे साथ में मिले हुए साहब पहले से जुड़े हुए हैं संगीता जी पहले से जुड़े हुए हैं मैडम अभी अपना माथों से अभी सबको मुंबिका कर दिया अपना गाना से साथ में शिपी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे खासियत मेरा जो डायरेक्टर है तिजोरी साहब आज मेरे साथ बैठे हुए इससे बड़ा खुशी और हो ही नहीं सकते ये हमारा जो तीसरा साल का बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर है और इस बार बहुत धूमधड़के से हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेस करेंगे क्योंकि इतना लोगों का हाथ है अभी हमारे साथ में इसके लिए सबको धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू सो मच लेजेंड एक्टर दीपक जी को मैं चाहूंगा कि दो शब्द रखें ये जो कॉज है वो बहुत हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट कॉज है और लास्ट ईयर भी एक्चुअली मुझे बुलाया गया था वो जितनी क्वार्टर बट इस साल मुझे पता चला तो आया था कि जब भी और धीरज जी के साथ में अभी गणेश जी भी जुड़ गए हैं मास्टर जी तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो और मेरे और भी अजीज़ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं अन्ना जो जिनके साथ में मैंने दो लफ्ज़ की कहानी फिल्म बनाई थी और ये मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं सो आई रियली एंजॉयड मैम तिवारी जी को देख के बहुत मतलब अच्छा लगा मैं अब ये समझता हूँ कि डेफिनेटली ये छोटे से छोटे इंसान और बच्चे तक हमारी इंडस्ट्री के सब तक ये डेफिनेटली ये गुड कॉज पहुँच जाएगा क्योंकि आपको देख के मुझे ये डेफिनेटली बिलीव होता है कि यू नो ही इज वन मैन हु इज नोइंग एवरीबॉडी पर्सनली एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट ही इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ एंड इस टाइम का आपका जो है वो शिविर डेफिनेटली सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल So I'm happy to be here and I'm here to support everybody here and हमारी इंडस्ट्री के कई ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ये फैसिलिटीज की इतनी ज़रूरत होती है तो मैं समझता हूँ आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर यू बी डूइंग इट सक्सेसफुली फॉर लास्ट दिस इज़ अ थर्ड ईयर नाउ सो आई होप दिस कंटिन्यूज एंड इट जस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन थैंक यू थैंक यू वेरी मच दीपक अब मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा